अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कासली अतारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अतारी आर्ट्स। फ्रेंड, आज की हमारी डिज़ाइनिंग है 3D वॉल पेंटिंग, और उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे ये है एक स्प्रे पेंट ब्लैक, और ये है हमारा आई ट्यूब का नंबर जो कि पर्पल रेड है, इसका नंबर है 403403। और दूसरा इसमें कलर यूज़ करेंगे हम ये येलो, इसका नंबर है आई ट्यूब का 601601, तो इनके साथ। और चौथा जो हमारा जो है टूल्स, ये है ये करमाला, ये रेगमा लगाने वाला है, तो इसके साथ हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, 3D इफ़ेक्ट बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। ये सबसे पहले हमने ये येलो का शेड लगा लिया, और दूसरा जो है रेड वाला, इसको सिंपल लफ्ज़ों में रेड भी कह सकते हैं, वैसे इसका नंबर पर्पल रेड है इसको बोलते हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, और जो इसकी बेस बनाई हुई है ये मैंने, वैसे आपको सिर्फ आइडिया के तौर पर बता रहा हूँ, वैसे मैं तो और चीज़ पे बना रहा हूँ। इसकी बेस जो बनानी है वाल पट्टी लगाकर, दीवार पर बनाएंगे तो वाल पट्टी लगाकर फिलिंग दो तीन हाथ उसको लगाकर उसके अच्छे तरह से रगड़ाई करनी है, रेगमार करना है। तो उसके बाद जो ऑयल पेंट वाइट कलर का वो लगाना है, वाइट कलर भी लगा सकते हैं, ऑफ वाइट भी लगा सकते हैं, इन दोनों कलरों के साथ लगाकर उसके साथ ये कलर कम्बिनेशन जो भी है डिज़ाइन के हिसाब से आपने बेस लगानी है, वाइट लगा सकते हैं, ऑफ वाइट लगा सकते हैं, दियार कलर लगा सकते हैं, यानी कि जिस आपका हिसाब का आपका डिज़ाइन होगा उसके हिसाब से आप लगाएंगे। बेस में जस्ट आपने वाल पट्टी लाजमी लगानी है, इसमें वाल पट्टी लगाएंगे इसकी फिलिंग होगी तो तब ही जाकर ऊपर ये डिज़ाइन क्रिएट होगा। ये दोनों चीज़ें जहन में रखना ज़रूरी हैं, वाल पट्टी और आयल पेंट, ये बेस में ज़रूरी होती हैं, ख़ासकर ये आयल ट्यूब का डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए। उसके अलावा तो इसके अलावा और बहुत सारे डिज़ाइन हैं, लेकिन इनके लिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इस तरह से मिट्टी के तेल में या तारपीन के तेल में इसमें इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों ही चला सकते हैं ऑयल जो हैं। और ये रेड कलर हमारा अप्लाई हो गया, अब हम इस येलो को भी इसी तरह से जगह जगह पे, थोड़ी थोड़ी जगह पे लगा लेते हैं। इस तरह लगाने से इसकी खूबसूरती थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, ये एक मल्टी शेडिंग में आ जाता है। और कमेंट में इसका ज़रूर बताया करें कि ये डिज़ाइन अच्छा लगा नहीं लगा, तो हम और डिज़ाइन की क्रिएशन करने की कोशिश किया करें। इंशाल्लाह, अब स्कूलों में छुट्टियां हो चुकी हैं, थोड़ा सा काफ़ी बिज़ी रह गया हूं और वीडियो पे ज़्यादा टाइम नहीं दे सका। अब इंशाल्लाह छुट्टियां स्कूलों में हो चुकी हैं, तो इंशाल्लाह आप छुट्टियों में और भी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। इस बार इंशाल्लाह एक नई से नई टेक्निक और भी आपके साथ लाने वाला हूँ इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे और आपको भी देखने की करने की तौफीक दे। तो इसी तरह से यह सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा, क्योंकि आपके सीखने से हमें बहुत खुशी हासिल होती है, ताकि किसी की रोज़ी अच्छी बन जाए और किसी का फ़न अच्छा हो जाए, तो इसमें हमारी बहुत खुशी है कि अल्लाह पाक आपको हलाल रिज़क खाने की कमाने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये बहुत ही हमारे लिए एक मुसलमान होने के नाते ये हमारे लिए अल्लाह पाक का इनाम है कि हम हलाल रिज़क कमाने के चक्कर में क्या कुछ नहीं करते। तो इसलिए हमें हलाल ही कमाना चाहिए अच्छे से अच्छे तरीके के साथ। तो ये देखिए, एक बार सब सारा कलर इसमें ऐड हो चुका है, अब हम इसको दोबारा से रिप्लेस कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाए, ताकि इसमें कलर लगाने में जो कमी बेशी होती है वो भी दूर हो जाती है। अक्सर कमेंट्स में ये हमें हमसे पूछा जाता है कि
ये फौरन आल्टी खुश्क क्यों हो जाती है? खुश्क इसलिए होती है कि जब हम इसको एक बार लगाकर फौरी उसमें डिज़ाइन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए ज़्यादा खुश्क जल्दी हो जाती है। तो इसको लाजमी तौर पे एक बार लगाकर दोबारा इसको रिप्लेस किया करें, और छोटे छोटे स्टेप इसके बनाया करें ताकि इसमें डिज़ाइन में क्रिएटिविटी में कोई मसला पेश ना आए। तो ये हमारा जो कलर है अप्लाई हो चुका है। अब हम इसको पहले बैकग्राउंड इसका बनाएंगे, बाद में इसको 3D का इफ़ेक्ट देंगे। तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले इसका सिंपल सा टेक्सचर बना लेते हैं बैकग्राउंड में, तो उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह 3D बनाएंगे। इस डिज़ाइन के अलावा भी आप नीचे बैकग्राउंड में आप बना सकते हैं, बैलून वाला नीचे इसका बैकग्राउंड बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं जो कि आप नीचे बैकग्राउंड में बना सकते हैं। तो मुझे ये थोड़ा पसंद आया ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इसको क्रिएट कर लिया है। और इंशाल्लाह जो सेकंड चैनल है, इंशाल्लाह उस पर भी मैं आर्ट का काम शुरू करने वाला हूँ। पहले तो वैसे सिंपली उस पर कुछ ना कुछ सादा वीडियोस बनाता था, अब इंशाल्लाह उसमें पेंटिंग के हवाले से और व्लॉगिंग भी करेंगे, और पेंटिंग के हवाले से भी इंशाल्लाह उसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे। और आप भी हमें मशवरा दीजिएगा कि क्या उसमें चलाएं, पेंटिंग चलाएंगे या कुछ और उसमें करें। तो ये जो टेक्सचर बनाने वाला हमारा टूल है, ये है एक सिंपल सा शॉपर। इसको ये मोबाइल के इसमें कवर भी आते हैं और ग्लासेस भी इसमें आते हैं, या मोबाइल की शॉप से बिल्कुल इजी ले सकते हैं इसको। तो ये हमारा टेक्सचर जो है कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन और क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा सा फुटबॉल का। तो आइए वो भी थोड़ा सा इसमें ऐड करके मज़ीद इसको बढ़ा लेते हैं। इस तरह से सिंपली ये इसको लगा लेते हैं। इसमें थोड़ी सी खूबसूरती ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब हम इंशाल्लाह इसको 3D का इफेक्ट देंगे। तो ये देखिए हमने गरमाला ले लिया है, और दूसरा जो है ये एक ब्लैक स्प्रे पेंट है, तो इसके साथ हम को क्रिएट करेंगे। इस तरह की डिजाइनिंग करने के लिए हमें मशवरा जरूर दीजिएगा कि ये आपको पसंद है, तो हम और भी इंशाल्लाह इसके मुतलका जो डिजाइन है वो बनाया करेंगे। अगर नहीं पसंद है तो हमें तब भी बता दीजिए ताकि हम इसकी और कोई डिज़ाइनिंग सोच लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये गरमाला हो तभी आप कर सकते हैं, इसके अलावा भी आप ख़ुद भी इसको कुछ गत्ता वगैरह के साथ भी आप काट कर इसको इसका साइज़ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा डिज़ाइन जो है क्रिएट हो चुका है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा कलर कम्बिनेशन और भी चेंज करना चाहें तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।